तो दोस्तों आज SBI क्लॉक प्रीलिम का एग्जाम था, मेरा शिफ्ट मॉर्निंग को था, ठीक है। और मैंने कितने अटेम्प्ट किए, ठीक है, और क्या क्या मिस्टेक थोड़े बहुत किए हैं, और मैं आपको रिव्यू दे दूंगा, ठीक है। चलो रिव्यू पे मिलते हैं। तो फिर ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहले ये रीजनिंग का सेक्शन खुलता है, ठीक है। और पैटर्न तो चेंज हो गया आपको पता होगा, ठीक है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था नवंबर, आज 19 है, और मेरा एस्पेक्ट था 90 होगा, लेकिन मेरा 83 अटेंड हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा दुख लग रहा है, क्योंकि सोच के गया था 90 शायद अटेंड कर लूँगा तो पेपर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी सोच रहा हूँ पेपर शायद क्लियर नहीं हो सकते, ठीक है। और पेपर बहुत ईजी था दोस्तों, RBI असिस्टेंट का जैसा पेपर था, ठीक है। यहाँ पर 7 स्टेक थे और 7 पर्सन थे, PQRST उनको सजाना था, ठीक है, और वो 1 मिनट में बन गया था ये वाला पजल। उसके बाद एक पेयर आता है और उसके अल्फा नंबरिक के 5 क्वेश्चन, उसके बाद 7 to 8 पर्सन फेसिंग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिलोलिज्म आता है 5 क्वेश्चन, ठीक है, और यूनिकलिटी का क्वेश्चन आया था 5 क्वेश्चन, फ्लैट एंड फ्लोर का आया था, PQ थे और 8 पर्सन थे। और यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग का 3 क्वेश्चन आया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा था क्योंकि M और N को मिला के इतना आया, तो Z और X को मिला के इतना आया, तो फिर M या फिर Y यहाँ पर दिया था ला इस इतना आया, तो फिर ये और ये कितना होगा ऐसा कुछ आया था, लेकिन ये क्वेश्चन करने के वक्त टाइम एंड हो गया और रीजनिंग मैंने 2 क्वेश्चन नहीं बना पाया, एक पेयर का और एक ये वाला क्वेश्चन नहीं बना पाया, ब्लड क्वेश्चन तीनों के क्वेश्चन कुछ नहीं ईजी थे, ठीक है। टोटल यहाँ पर अटेंड होता है मेरा 33 रीजनिंग पे। तो उसके बाद आता है ये DA आया था, ये वाला नंबर नहीं है, लेकिन इसके जैसा नंबर आया था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा था आपको पता है, यहाँ पर ये वाला मतलब जो इजी नंबर थे वहाँ वो ही पूछ रहा था, ये सर डिफ़िकल्ट नंबर नहीं पूछ रहा था, ये वाला नंबर नहीं पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पर DI बहुत ईजी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे DI के, बहुत ही आसान थे, ठीक है। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, यहाँ पर 50% लॉस हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर एक्स पे बेचते हैं 50% लॉस हो रहा है, एक्स प्लस 125 बेचते हैं 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट कितना होगा ये बताइए। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, टी प्लस कुछ लिखा हुआ था, मुझे थोड़ा याद नहीं, वो क्वेश्चन में अटक गया तो और नहीं पढ़ा, वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन आपको याद रखना है बॉर्मास रूल याद नहीं होगा तो आपका ये मतलब ये सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने, सॉरी क्वांटिटी एटीट्यूड के 10 क्वेश्चन आए थे, ईजी आए थे। यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन ही बना पाया हूँ, ज़्यादा नहीं बना, बोर्ड एंड स्ट्रीम का शायद हुआ है, यहाँ पर एक ये क्या, हाँ यहाँ पर एक टाइम एंड वर्क था, 9, 12, 15 दिन काम कर रहे हैं, AC 4 दिन काम करके लेफ्ट हो रहे हैं, और B उस काम को कितने दिन में कर रहा है, एक क्वेश्चन था। और बोर्ड एंड स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम में 30 जा रहा है, अप स्ट्रीम में 36 जा रहा है, टाइम दिया था 1:2 रेशियो पे, तो फिर आपका स्पीड कितना आएगा, यही कुछ क्या पूछा था, ठीक है, मुझे थोड़ा याद नहीं, और यही सब था। और क्वेश्चन बहुत सारे थे लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, टोटल मैथ में मेरा टोटल अटेम्प्ट होता है 28, एक्सपेक्ट था 30 अटेम्प्ट कर दूंगा लेकिन नहीं हुआ पाया, यहाँ पर एक्सपेक्ट था 35 कर दूंगा लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, मतलब यहाँ पर मेरे 4 क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो वो हो जाने चाहिए थे, ठीक है, ये मेरा गलती है। तो फिर उसके बाद आता है इंग्लिश का सेक्शन, एक मिनट, इंग्लिश का सेक्शन बता रहा हूँ। इंग्लिश का सेक्शन में क्या था, आरसी मतलब 10 क्वेश्चन आया था, दो भुक्काप थे, एक भुक्काप था प्रोटेक्ट लिख के आया था, और उसका एंटोनोमी था, मैंने उसका एंटोनोमी लिखा था हार्मफुल लिखा था एंटोनोमी। आरसी के बाद क्या आएगा, हाँ क्लोस्टेज आता है, क्लोस्टेज का 5 क्वेश्चन था, एक मिनट माफ़ करना, लेकिन घर पे लोग हैं इसलिए मैं छत के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और क्लोस्टेज आया था 5 मार्क के, ईजी थे। क्लोस्टेज पूछा गया था चाइल्ड ग्रोथ न्यूट्रिशन के बारे में पूछा गया था, और RC था स्टोरी क्या था बता देता हूँ। एक लड़का है जो क्या क्या करता है कि खेती करता है, ठीक है,
और वो केमिकल वेमिकल यूज़ करता है, उसमें क्या होता है उसको लॉस होता है। और फिर उस वो काम करता है, एक आदमी से वो सलाह लेता है और उसके जाकर एक दुकान खोलता है उनके गांव में, और उन सबको हेल्प मिलता है ऐसे करके। एक भारतीय अच्छा ऐसे आया था, ठीक है, ई जी था, आर सी भी ईजी था, क्लोस्ट्रेट भी ईजी था। उसके बाद एरोर, एरोर थोड़ा मॉडरेट था, मैं बताऊँगा। एरोर मैंने नहीं, मुझे नहीं मिला, एक ही एरोर मिला और दो मैंने एरोर क्वेश्चन किए हैं शायद, दो या तीन फिर किए हैं एरोर पे, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, वार्डसॉफ भी इजी थे, इजी वार्डसॉफ भी इजी थे, पांच क्वेश्चन थे, उसको भी मैंने किया। उसके बाद आया है ऐसे फेजेस के करके कुछ सवाल आए थे, तीन से चार क्वेश्चन आए थे, वो मैंने नहीं बना पाया, वो मुझे पता नहीं उसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैंने दो या फिर तीन क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। पांच क्वेश्चन शायद आए थे फेजेस के, मैंने दो तीन क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। टोटल मेरा अटेम्प्ट होता है 22। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर आरसी का जो क्वेश्चन, मुझे लगा आरसी हार्ड होगा इसलिए मैं नहीं बना गया। पाँच मिनट थे आरसी बनाने के लिए गया, यहाँ पर चार क्वेश्चन बना पाया, एक भूकअप और एक तीन क्वेश्चन, लेकिन और जो तीन चार क्वेश्चन थे वो भी आसान थे, वो मैंने बनाने वाला था, टाइम वहाँ पर चला गया, एक क्वेश्चन मार किया था लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाया इंग्लिश, ठीक है। इसके लिए मैं बहुत ही आज सैड हूँ दोस्तों, बहुत ही दुख लग रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, टोटल मेरा 83 अटेम्प्ट हुआ है, मुझे तो उम्मीद नहीं होगी क्लियर होगा, शायद क्लियर होगा तो थोड़ा उम्मीद मिलेगी कि आगे क्लियर हो, नहीं भी क्लियर होगा ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको ठीक ठाक इंप्रेशन मिला होगा, ठीक है। और इंप्रेशन थोड़ा अच्छा लगा तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ठीक है। और आगे जितने भी सारे एग्जाम आएंगे वो सबका मैं रिव्यू दूंगा, ठीक है। और देखते हैं क्या पता, मेरा स्टेट का कट ऑफ तो 82 जाता है, और मुझे पता नहीं इस बार तो शायद नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा एस्पेक्ट था 90 अटेम्प्ट कर दूंगा, लेकिन 90 अटेम्प्ट नहीं हो पाया, शायद थोड़ा बहुत कम आ सकते हैं। लेकिन मेरा IBPS PO का आप रिजल्ट देख रहे होंगे, जो अभी पिछली बार गया था, और मेरा इंग्लिश का वो सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ, 0.50 से मैं कटना रुक गया हूँ, और थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल नहीं होगा तो मैं अगले साल जरूर कोशिश करूँगा। आप भी होप मत हारिए, कोशिश करते रहे, ठीक है, मिलते हैं, बाय।